तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू टेन एक्स का डोमेन और रेंज क्या होगा, और साथ ही साथ उसका ग्राफ हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो y इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि y इज इक्वल टू टेन एक्स, और टेन एक्स का वैल्यू हम लोग का साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, है ना। और हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि ये कॉस एक्स में कंडीशन था कि कॉस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए हम लोगों का, और उसके साथ हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि cos x अगर जीरो है तो x इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे 2n प्लस 1 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए था, है ना। इसका मतलब ये अगर नहीं होगा तो x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये भी हम लोग पढ़े थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan x के लिए ये 2n प्लस 1 पाई बाय 2 नहीं होगा। 2n प्लस 1 पाई बाय 2 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग n का वैल्यू 0 बैठाते हैं तो पाई बाय 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस n का वैल्यू अगर हम लोग 1 बैठाते हैं तो वो 3 पाई बाय 2 पे वो नहीं होगा, है ना, क्योंकि इन सभी पे जो है ये ग्राफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ऑड वाला वैल्यू आ रहा है 1 3 फिर 5 आएगा, 5 पाई बाय 2 इस तरह से वो आता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन वैल्यू पर वो हम लोगों का क्या होगा, डोमेन जो है जो डोमेन आएगा इन वैल्यू पर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा tan x, ठीक है। लेकिन और सब वैल्यू पे तो करेगा, इसका मतलब ये है कि डोमेन का कितना हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। ये माइनस का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के, मतलब ये जो वैल्यू गिवन आ रहा हम लोग का इन वैल्यू को छोड़ के, है ना, ये जो ऑड ये तो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, तो पाई बाय 2 का ऑल मल्टीपल को हम लोग छोड़ के जो भी हम लोग का वैल्यू आएगा रियल नंबर्स का वो सारा हम लोग का डोमेन वैल्यू होगा, ठीक है। अब रेंज पे आ जाओ, रेंज हम लोग क्या होगा, तो रेंज के लिए थोड़ा सा हम लोग ग्राफ में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ग्राफ में कैसे बनता है, फिर हम लोग बात करेंगे। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिए हम लोग, तो पाई बाय 2 पाई एंड 3 पाई बाय 2 2 पाई, और आगे एक्सटेंड कर सकते हो यहां पे माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई, ठीक है। ये हम लोगों का वैल्यू गिवन है, यहां पर तो 0 है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या वैल्यू आएगा, tan, तो tan का वैल्यू में हम लोग जानते हैं tan x sin x by cos x एक इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो x मेरा 0, तो x 0 तो मतलब sin 0 cos 0, है ना, sin 0 का वैल्यू 0 cos 0 का वैल्यू 1, 0 आया मतलब ये वैल्यू, है ना। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो याद रखना है जिसपे हम लोग बोले थे कि डोमेन में कि ऑल रियल वैल्यूज होगा लेकिन इन सभी पे क्या क्या होगा, हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जहां पर वो एग्जिस्ट करेगा नहीं, यानी पाई बाय 2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहां पर हम लोग का इन्फिनिटी जाएगा जी, इसमें तो इन्फिनिटी जाए चला जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग कितना पे 3 पाई बाय 2 पे, तो जो एग्जिस्ट नहीं करेगा उनको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। 5 पाई बाय 2 इसको आगे बढ़ा सकते हो, तो आगे बढ़ा भी सकते हो नहीं भी बढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं है। 5 पाई बाय 2 तो 5 पाई बाय 2, ठीक है, 5 पाई बाय 2 बढ़ा भी सकते हो। अब इस पे आ जाओ तो नेगेटिव भी इसी तरह होगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2, ठीक है। और यहां पर बैठा सकते हो माइनस 5 पाई बाय 2, ठीक। अब देखो ये 0 हो गया, ठीक है। अब अगर 0 पे आएगा पाई बाय 2 पे आ जाओ, तो अगर साइन पाई बाय 2 एंड कॉस पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 पे वैल्यू हम लोग का कितना होगा, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू हम लोग का हो जाता है 1, और कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0, तो 1 बाय 0 तो वो तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो डिफाइन नहीं करेगा वहां पे, इसलिए ये वैल्यू जो है 0 से लेके कहां तक जा रहा है, नॉट डिफाइंड, मतलब वो ऐसा चलता चला जाएगा, इस लाइन पे नहीं आएगा, ठीक है। ये जो लाइन है इस लाइन पे नहीं आएगा, लेकिन इस लाइन के एकदम नियरेस्ट में होते हुए साथ में निकलेगा ग्राफ,
ठीक है, ऑन कर दो लाइट लग, ठीक है। तो अब उसी तरह से हम लोग इसको नेगेटिव भी इसी तरह से जाएगा, है ना, समझ आ रहा है ना। ये जीरो हुआ, ये हम लोग इधर गए इन्फिनिटी तक, और ये भी हम लोग इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी तक आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम लोग क्या ले, अब किस पे आ जाएगा, पाई बाई टू हो गया, पाई पे आ जाओ, फिर पाई से अगर स्टार्ट होगा तो फिर पाई से होते हुए फिर इसके पैरेलल इस तरह से जाएगा और फिर ये हम लोगों को इस तरह से जाएगा, है ना। फिर टू पाई पे आएगा, टू पाई पे फिर हम लोगों का इसके पैरेलल जाएगा, मतलब इस पैरेलल नहीं जाएगा, इसके नियरेस्ट में जाएगा, है ना, और ये इस तरह से जाएगा। तो हम लोगों का फिगर इसी तरह से वो बनता चला जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से जाएगा, टू पाई पर रखा जाए, ये इससे जाएगा और ये इस तरह जाएगा। तो हम लोगों का टेनेक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब आ जाओ रेंज पे। अब देखो किसी एक का अगर लेते हैं हम लोग रेंज पे, तो मान लो इस पर हम लोग रेंज पे ले रहे हैं, तो ये कहां तक जा रहा है, ये हम लोगों का प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है ना, हाँ? तो सारा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब कितना होगा, ऑल रियल वैल्यूज होगा। तो इसीलिए हम लोगों का रेंज जो हो गया, इसमें ऑल रियल वैल्यूज हम लोग राइट करेंगे, है ना, कि रेंज जो है वो टेन एक्स का हम लोग क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टेन एक्स का हम लोग ग्राफ निकाले। चलिए हम लोग कॉट एक्स को बताते हैं।